हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को टीचिंग से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आते हैं उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग से संबंधित 396 पोस्ट पर आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर। हम इस पोस्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो फॉर्म है वो अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक समय पर आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है एजुकेशनल डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर्स के लिए यहाँ पर निकल कर आया हुआ है और जो नोटिफिकेशन है वो 16 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने इम्पॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पर जो फॉर्म मांगे गए हैं उसको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट, यानी कि ऑनलाइन अप्लीकेशन के प्रोसेस से ही ये फॉर्म फिलअप कर किया जाना है। अगर आप किसी और फॉर्मेट से फॉर्म को फिलअप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो जूनियर बेसिक टीचर्स के लिए मांगे जा रहे हैं, यानी कि प्राइमरी के जो टीचर्स हैं उनके लिए ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। इसे जो फिलअप करने का जो डेट्स है वो 24 जनवरी से आप लोगों का फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप होना स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्लोजिंग डेट भी यहाँ पर 19 फरवरी का डेट मेंशन किया गया है और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट फीस का जो डेट है वो 22 फरवरी 2024 का डेट यहाँ पर रखा गया है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.chdeducation.gov.in/ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इनवाइट किया हुआ है यहां पर 396 पोस्ट पर जूनियर बेसिक टीचर्स के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर्स जो कि क्लास 1 से 5 तक के रहेंगे और यहां पर रेगुलर बेसिस पर पोस्ट मांगे जा रहे हैं। तो जूनियर बेसिस का पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट निकल कर आया है उसमें जो कैटेगरीज रखे गए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरीज से हैं तो 179 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं जनरल कैटेगरीज से। OBC कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 94 पोस्ट रखे गए हैं, SC कैटेगरीज में 84 पोस्ट रखे गए हैं, EWS कैटेगरीज में यहाँ पर 39 पोस्ट है, कुल टोटल यहाँ पर 396 पोस्ट रखे गए हैं। PWD के लिए यहाँ पर 16 सीटें आरक्षित रखी गई है, वहीं ESM में 39 सीटें आरक्षित रखी गई है। यहाँ पर आप लोगों को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप इनका जो रिजर्वेशन का ऑप्शन है वहाँ से रिजर्वेशन का जो भी प्रोसेस है आप उसे देख सकते हैं। रिजर्वेशन को चेक करने के लिए आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा और वहीं पर आप लोगों को उससे संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। पे स्केल जो यहाँ पर रखा गया है, यानी कि जो सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है JBT के लिए, उसमें 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक की सैलरी यहाँ पर मंथ की आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। प्लस यहाँ पर ग्रेड पे 4,200 रुपये की आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर जो आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से 19 फरवरी 2024 तक फिलअप कर लेना है। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखे गए हैं वो 1,000 रुपये रखे गए हैं जनरल OBC और EWS कैटेगरीज़ के लिए, और 500 रुपये यहाँ पर SC ST कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर मांगे गए हैं। इस नोटिफिकेशन में जब आप एकदम नीचे आएंगे तो आप लोगों को डिटेल से रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एज, सेक्शन क्राइटेरिया या ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मोड, पेमेंट, फीस, जनरल इंट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी अदर्स इंफॉर्मेशन है आप लोग अगर इंफॉर्मेशन है आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लें और जो भी
इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उसे अच्छे से रीड कर लें, और रीड करने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें ताकि किसी तरीके की कोई गलती आपको फॉर्म फिलअप करने में आपसे ना हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है हम आप लोगों तक पहुँचाने का, इस तरीके का जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं कि नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।